नालंदा जिले में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। जिले के एसपी अशोक मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जुलूस निकालने के लिए सभी धार्मिक समुदाय को एक समान नियमों का पालन करना होगा। एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित की है और अनुमंडल स्तर पर भी बैठकें हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जुलूस निकालने के इच्छुक लोगों को विधिवत आवेदन देना होगा और लाइसेंस प्राप्त करना होगा। हम बार बार इन शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी ने स्पष्ट किया है कि जो लोग इन नियमों का पालन नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, उन्हें जुलूस निकालने की आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अशोक मिश्रा ने बताया कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। हमने अन्य थानों से भी बल मंगाया है। जिले के बाहर से भी फोर्स आएगा और मिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेंगे। आपको बता दें, डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए एसपी ने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने वालों की खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजे संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे पर्व इस पे डीजे ना बजाएं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया जाए। जो लोग नियमों का पालन करते हुए जुलूस निकालना चाहते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीति सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। सभी में खौफ है सर कि किस तरह निकलेगा नहीं निकलेगा। देखिए, हम लोगों ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की थी और अभी आज भी अनुमंडल स्तर पे बैठक हो रही है और हम लोग जो प्रशासन की शर्तें हैं जो सभी पर्व में ऐसी रही हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो या रामनवमी हो, सरस्वती पूजा हो या अभी मुहर्रम, एक ही शर्त है कि उन शर्तों के हिसाब से किसी भी प्रकार का जुलूस अगर कोई निकालना चाहता है तो शर्तों को माने, विधिवत तरीके से जो है आवेदन दे, लाइसेंस प्राप्त करे और उसके बाद जुलूस निकाले। तो किसी प्रकार से कोई रोक नहीं है। हम लोग शर्तों का अनुपालन कराने के लिए बार बार कह रहे हैं। रोड पर ये लोग आना नहीं चाह रहा सर कि 20 आदमी को जो है आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उसके लिए कुछ लोग को मन में खौफ है। देखिए, वो शर्त सभी लोगों के लिए है और हर प्रकार के जुलूस में उन शर्तों को रखा गया है। पूरे नालंदा जिला में वो शर्तें हैं और लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो वो जुलूस ना निकालें, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जुलूस निकलेगा तो शर्तों के साथ ही निकलेगा। आपका क्या व्यवस्था रहेगी सर? पुलिस पूरी व्यवस्था रहेगी। हम लोग जो है भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। हम लोग अन्य थानों से भी बल मंगाएंगे और जिले से बाहर का फोर्स भी यहाँ आएगा और पैरामिलिट्री की फोर्स भी यहाँ पर रहेगी। पूरी व्यवस्था रहेगी, सख्ती बढ़ती जाएगी। अगर कोई नियम नहीं मानेगा तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और नियम संगत तरीके से अगर कोई जुलूस निकालता है तो उसका स्वागत है। डीजे लोगों का कह रहा है कि हम लोग बाजा नहीं देंगे, अगर लड़ाई होता है तो पर पूरा प्रतिबंध है। अगर डीजे बजेगा, डीजे अगर किसी ने बजाने की कोशिश की तो उन पर जो है कार्रवाई होगी और डीजे संचालकों से भी बात की गई है, उन्हें भी कहा गया है कि वो डीजे इस पर्व के लिए ना दें। रूट क्या है सर? रूट जो पुराना रूट है वही रहेगा। हॉस्पिटल मोड़ से सीधे गंगा निर्माण होते जाएगा वही। उधर निकल गए क्या? वो मुहर्रम को लेकर के कल मीटिंग हुई थी अंजुमन मुफीदुल इस्लाम की और कल हम लोगों ने फैसला लिया। मीटिंग में सारे मोहल्ले के लोग आए हुए थे कि जो जिला प्रशासन ने रूल बनाया है, सिद्धांत बनाया है, जो डिसिप्लिन के तहत अखाड़ा लोग उठावे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक अखाड़िया होते थे एक अखाड़ा में, अब 20 अखाड़िया रहेंगे। प्रशासन ने कहा है कि 20 लोग अपना आधार कार्ड दें और 200 लोग अपना ध्यान रखें कि उनका जो जुलूस है अनुशासन में चले, गलत नारा नहीं लगे, दारू पानी लोग पी करके नहीं चले। इसलिए सुरक्षा कवच के तौर पर 20 लोगों को हर जुलूस में कहा गया है रहने के लिए। तो जो रास्ता है वो भी वही है, पुराना रास्ता है, हॉस्पिटल मोड़ से भराव पर गंगन दीवान होते जो रास्ता वही है। फिर डंका भी आप बजा सकते हैं, माइक भी रख सकते हैं, लाठी भी खेल सकते हैं, सब व्यवस्था है। प्रशासन के तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये है कि 20 लोग सुरक्षा कवच के तौर पर हर अखाड़े में मौजूद रहें ताकि कोई गलत
वातावरण उत्पन्न नहीं है। दोनों में अभी तक मैंने बैठक करके क्यों नहीं आप लोग सुलह करते हैं है? दोनों आदमी मिलकर, जैसे बजरंग दल और दोनों मिलकर, दोनों को खौफ है कि हम जाएंगे तो वो ढेला मारेगा, वो जाएगा तो ढेला मारेगा, इसके लिए क्या करना चाहते हैं? ना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग बिल्कुल, ये बिहार शरीफ है, गंगा जमनी तहजीब के तहत हम लोग हिंदू मुसलमान सब भाई की तरह हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मुट्ठी भर गुंडा है हर समाज में रहता है, जो ऐसे माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, इसलिए कहीं कुछ नहीं है। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक, मुहर्रम का भी कल मीटिंग हम लोग किया था अंजुमन का, कि भाई शांति से और प्यार से आप उठाइए और किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी तक किसी भी थाना में आवेदन नहीं पड़ा, अभी तक तीन बजने वाला है। देखिए अनुशासन के तहत अखाड़ा निकालने की बात है, जो अनुशासन से निकालना चाहेगा निकालेगा, हम लोग को स्वागत करेंगे। जो अनुशासन से हट करके चाहेगा तो हम लोग उसके साथ नहीं है।